के लिए व्हाट इज माइंड, माइंड क्या है, चलिए व्हाट इज माइंड, सीपीयू, ओके सोर्स, ओके और क्या है, व्हाट इज माइंड, दिमाग, ओके और माइंड सॉफ्टवेयर है, ओके ठीक है और क्या है, माइंड क्या है। सो माइंड के बारे में बात करें तो काफी सारे सवालों के जवाब आपने मुझे दिए थे कि वो सॉफ्टवेयर है या फिर वो एक ऐसी चीज है कि जो बॉडी के अंदर है। मगर मैं बताऊं आपको कि ये जो अगर हम देखने जा रहे हैं तो ब्रेन और माइंड ये दोनों डिविजन अलग अलग है। जैसे काफी सारे लोगों को लगता है कि ब्रेन ही माइंड है और माइंड ही ब्रेन है, मगर ऐसा नहीं है। ये दोनों टोटली डिफरेंट है, दोनों अलग है। ब्रेन अलग है और हमारा माइंड अलग है। अगर हम ब्रेन के बारे में जानते हैं कि हमारा ब्रेन जो है, अगर मैं कंप्यूटर की भाषा में समझाऊं आपको, तो ब्रेन हमारा हार्डवेयर है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसका हम फोटो खींच सकते हैं, उसे हम नष्ट कर सकते हैं, जला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मगर क्या आप माइंड को देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं, क्या उसका फोटो खींच सकते हैं, उसे नष्ट कर सकते हैं, उसे आप कुछ भी नहीं कर सकते। मगर माइंड के अंदर इतनी पावर है कि आप जो चाहे बदलाव, जो चाहे वो रिजल्ट आप ला सकते, इतनी शक्ति आपके माइंड के अंदर है, मगर वो दिखती नहीं है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर अगर हम माइंड को देखेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे माइंड है या नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक हम इंडिया में रहते, जब तक कोई चीज को देखते नहीं ना, तब तक विश्वास नहीं होता। ये सुनो, आप मुझे बताइए यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, एसी के लिए प्रोजेक्टर चल रहा है, एसी चल रहा है, साउंड सिस्टम चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है। अगर कोई वायर को मैं कट करूंगा तो उसमें आपको दिखाई देगा इलेक्ट्रिसिटी पास होते वक्त, नहीं। क्या मतलब इसका ऐसा है क्या कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही, हो रही है। और जो लोग नहीं मानते कि इसके अंदर हो ही नहीं है तो हाथ लगा के देखो, मालूम गिरेगा है या नहीं है। या सुनो, करंट जब लगेगा तब पता चलेगा कि हाँ यार सही में इसके अंदर कुछ है, जो दिखता तो नहीं है मगर बहुत पावरफुल है। उसी तरह से माय फ्रेंड्स हमारा माइंड है जो हमें दिखता नहीं है मगर ब्रेन से कहीं 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 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो वैसे माइंड दो नहीं, माइंड एक ही है मगर उसके वर्किंग के हिसाब से दो डिविजन किए गए जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं हिंदी में जागृत मन, राइट। वो जब तक आप अपने बॉडी के साथ में जागरूक है, कॉन्शियस है, तब तक आपका कॉन्शियस माइंड काम करेगा। मगर जब आप रात को सो जाओगे तभी क्या होगा, आपका कॉन्शियस माइंड सो जाएगा, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। मगर जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ये 24 घंटा काम करता है, वो कभी सोता नहीं है, क्योंकि अगर वो सो गया तो आप भी सो जाएंगे। तो आपको पता है कि अभी आपका कौन सा माइंड काम कर रहा है, कॉन्शियस या सबकॉन्शियस, दोनों माइंड काम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया कि कॉन्शियस माइंड तो तब तक काम करते जब तक आप कॉन्शियस है, यानी आप सभी लोग अभी कॉन्शियस अवस्था में, इसी के लिए आपका कॉन्शियस माइंड तो काम कर रही है, मगर सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटा काम कर रही है, वो भी तो काम कर रही है। आपके दोनों माइंड काम करे इसका मतलब है कि आपका ध्यान नहीं था, राइट। कॉन्शियस माइंड जो है जिसके पास 10% पावर है और सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर है, 90% उसकी शक्ति है। ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड है हमारा बॉस है, ये कौन हमारा बॉस, और जो सबकॉन्शियस माइंड है ये हमारा सर्वेंट है, ये हमारा नौकर। मगर हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जिसके पास ज्यादा पावर होती है वो बॉस होता है और जिसके पास कम पावर होती है वो कौन होता है, सर्वेंट होता है। मगर यहां पर उल्टा हो गया ना कि जिसके पास कम पावर दिया उसको बॉस बना दिया और जिसके पास ज्यादा पावर दिया उसको सर्वेंट बना दिया। वैसे हमारे घर में भी देखो सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है, हस्बैंड के पास, राइट, और कम पावर किसके पास होती है, वाइफ के पास, मगर बॉस कौन होता है, वाइफ। सब वाइफ खुश हो गए, राइट। थिंकिंग यानी सोचने की पावर है, फीलिंग्स करने की पावर है, उसको आईक्यू यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, वो सभी चीजें जज कर सकता है, जजमेंट ले सकता है, सिलेक्शन कर सकता है, ये जो भी चीजें है वो कॉन्शियस माइंड की पावर है। मगर जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, जो 90% पावर है, उसके अंदर हमारी पुरानी आदतें हैं, हैबिट्स है हमारे अंदर, राइट, जो सब कुछ अंदर भरा हुआ है बचपन से लेके अभी तक, जो भी चीजों को हमने अंदर डाला हुआ है वो कहां पर स्टोर है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। और उसको रिकॉल कौन करता है, कॉन्शियस माइंड रिकॉल करता है। तो अगर आप चाय कप में लेते हैं तो बीच में क्या रखते हैं आप, चलती, क्यों रखते हैं, बिकॉज ऑफ वो जो भी कचरा है वो आपको क्रीप करके नीचे दे। वैसे ही कॉन्शियस माइंड के पास से जो भी विचार आते, थॉट्स किसकी पावर है, कॉन्शियस माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की पावर नहीं, विचार करने की पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास नहीं है, सिर्फ कॉन्शियस माइंड के पास है। अब विचार बहुत सारे आते हैं, मोर देन 60,000 थॉट्स
हमें पूरे दिन भर में आते हैं, ऐसा साइंस कहता है, मगर इसमें से 90% से ज्यादा विचार कौन से होते हैं? नेगेटिव होते हैं, आइदर पास्ट के आइदर फ्यूचर के, राइट। और जो 10% विचार होते हैं वो हमारे पॉजिटिव विचार होते हैं भविष्य को लेकर, राइट। सो सोचिए, क्या वो भविष्य के लिए हम जो पॉजिटिव सोचते हैं क्या वो हमारे जिंदगी की रियलिटी में होता है? हम सोच रहे पॉजिटिव तो भी क्यों नहीं हो रहा है? होता ऐसा है कि आप जो भी सोचते हैं ये पहले फिल्टर के पास जाता है, ये फिल्टर डिसाइड करता है कि उसे अंदर जाने देना है या उसे बाहर फेंकना है। सो आपकी लाइफ में कभी भी अगर कोई अनसक्सेस अगर आपको मिलता है, कोई फेलियर मिलता है, तो ये मत सोचे कि आपको लाइफ में पूरी टाइम आपको फेलियर मिलने वाला है। ये माइंडसेट करके रहोगे तो आप कोई भी काम करने जाओगे तो आपका पहले माइंडसेट क्या आएगा? नहीं यार, फेल हो जाऊंगा तो, हार जाऊंगा तो, नुकसान हो जाएगा तो, क्योंकि आपने ये एक फ्रेम बना के रखा हुआ है। जैसे कि बिलीफ, मैंने बात किया था, एक फिल्टर कैसे काम करता है। एक छोटा बच्चा, मानो एक 1.5-2 साल का बच्चा, जब पहली बारिश होती है तो पहली बारिश में उसको भीगने की इच्छा होती है। जैसे वो भीगने के लिए बाहर जाता है तो उसके फादर या उसके मदर या उसके फैमिली मेंबर क्या कहते हैं कि बेटा बारिश में नहीं भीगते, सर्दी हो जाएगी। अब उस बच्चे को मालूम भी नहीं सर्दी होती क्या है, बोलते कि नहीं नहीं डैडी मुझे जाना ही है, मम्मी मुझे जाना ही है, मेरे दोस्त सब लोग देखो बाहर एंजॉय कर रहे तो मुझे भी वहां पर जाना है। एंड जैसे वो रोता है, फिर उनके मम्मी डैडी उसको अलाव कहते हैं, वो जैसे बाहर जाता है इंजॉय करता है, और जब वो बारिश से भीग कर वापस आता है, मानो एक सिंक दे दिया अगर उसने, तो देख तुझे बोला था ना बाहर ले जाता है, आ गया ना तो कोई सर्दी होगी ना, खांसी होगी ना, चल डॉक्टर के पास। अब उसको डॉक्टर के पास लेके आते, उसे मेडिसिन देते, सब कुछ करते। अब ये बच्चा 15 साल का होता है, 20 साल का होता है, 50 साल का होता है, जब भी बारिश में भीगता है उसको सर्दी होती है। ऐसा क्यों? बिकॉज उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक प्रोग्रामिंग हो चुका है कि बारिश में भीगने से सर्दी होती है। यस ऑर नो? थिंक अबाउट इट। तो सोचिए, बचपन से लेकर अभी तक हमारे पेरेंट्स ने कितने सारे बिलीफ हमारे डाले होंगे अंदर, और हम भी हमारे बच्चों के अंदर कितने सारे चीजें डाल रहे हैं।